हे एवरीवन, आज हम लोग बिल्ड करने वाले हैं इस कंप्यूटर को। इसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर और 8GB का सिंगल स्टिक है। मैं 1GB और भी लगाने वाला हूँ, पता नहीं अमेजोन से डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है। और इसमें से 2 SSD में लगाने वाला हूँ। ये SMPS है एंटी स्पॉट का, और मैंने ऑर्डर भी किया था गेमिंग केस, बट जो भी है इससे से काम चलाते हैं इस बार। और मदरबोर्ड जेब्रोनिक का जेब H61 मदरबोर्ड। CPU कूलिंग के लिए मैंने एंटी स्पॉट का IC200 लिया है। तो फटाफट बिल्ड करते हैं इस गेमिंग कंप्यूटर को। इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। मदरबोर्ड, ये रहा हम लोग का IO पैनल, ये डिस्क जो कि यूज नहीं करने वाले हम लोग, नेट से डाउनलोड करेंगे। ये है यूजर मैनुअल, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस, ये काम में आने वाला हम लोग को SSD को कनेक्ट करने के लिए। और हम लोग कुछ नहीं मिलता है, डायरेक्टली हम लोग को मिलता है मदरबोर्ड। सभी चीज़ों को अंदर में रखते हैं। ये दोनों हम लोग के काम में आने वाला है अभी, तो इसको बाहर में ही रखेंगे। बॉक्स, कमॉन, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। सबसे पहले सबसे सेंसिटिव काम, प्रोसेसर को माउंट करना है। ये रहा हम लोग का i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर, 4 कोर 4 थ्रेड वाला गेमिंग प्रोसेसर। इसको देखना है, इस तरफ एरो बना हुआ है तो हमें उसी तरफ मुंह करके, और इस तरफ एरो है। खोलते हैं इसको, लिटिल प्रेस एंड ओपन। इसके कैप को हटाना होगा और बहुत ही ध्यान से, इसमें उंगली नहीं देना है। इसमें बहुत सारा पिन है, बहुत सारा पिन है। जूम करके दिखा, देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पिन है, तो इसको टच नहीं करना है, बहुत सेंसिटिव है। अब इसको हम माउंट करते हैं। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो का निशान है, और यहाँ पे एरो का निशान इसी तरफ था, बाहर में हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे एरो का निशान, और ये रहा एरो का निशान, तो इसी तरह से बैठेगा हम लोग का। और देख सकते हैं यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, ये दोनों कट लगा हुआ है, तो बस इसी तरह से बैठा देना है विदाउट बैंड। ठीक है, बैठ गया हम लोग का। इसको करते हैं क्लोज। ये हो गया हम लोग का सबसे सेंसिटिव काम, कैप। हाँ, कैप नहीं लगाना है। प्रोसेसर माउंट हो गया हम लोगों का। अब इसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम, जो कि फैन को माउंट करना। 8GB फैन है ये, एंटी स्पॉट का। ये रहा फैन, ये सब हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए इंटेल का है। ये रहा थर्मल पेस्ट, और ये रहा कुछ स्क्रूब। दिमाग का दही होने वाला है यहाँ पे। यूज़र मैनुअल देखना पड़ेगा। AMD वेरी सिंपल, ओनली 4 स्टेप, Intel 7 स्टेप। सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा है इनसाइड, कौन सा है आउटसाइड। हाँ, ये वाला आउटसाइड लग रहा है, ये वाला इनसाइड लग रहा है, ये वाला ऊपर से है। तो करते हैं सेट। ये लेटेस्ट CPU के लिए है, और ये हमारे पुराने जमाने के लिए है। सिंपली रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दो दो साइज हैं, तो आपको पहले मैच कर लेना है कि कहाँ पे ये एडजस्ट होगा। तो ये शायद सबसे छोटा वाला है हम लोगों का, तो छोटा वाला में घुसाते हैं पहले। इन दोनों को मैच करना है आपके मदरबोर्ड के ये जो होल है इसके अकॉर्डिंग।
पीछे से देख लेता हूँ। सारा का सारा ये जो माउंटिंग क्लिप है ये दिख रहा है, तो मतलब कि यहीं पे एडजस्ट होगा। तो बस इसको प्रेस करना है थोड़ा सा, सबको लॉक कर देंगे। ये हो गया हम लोग का लॉक। अब बचा ये थर्मल पेस्ट लगाने का काम। थर्मल पेस्ट ठीक है, तो हम कर चुके हैं इसको थर्मल पेस्ट। इसको पुल करना है, और क्योंकि हम लोग का आईओ पोर्ट इस तरफ है, मतलब कि हम लोग का एयर फ्लो इस तरफ होगा। इस तरह से बैठा देना है बस, तो हो गया। ये बहुत ही छोटा मदरबोर्ड है। ये खोलते हैं हम लोग कैबिनेट को, अनबॉक्स करते हैं। हम लोग का सीपीयू माउंट हो चुका है। काटने के लिए कुछ नहीं है, बस ऐसा इसी को लीजिए, टांग लीजिए, टेंशन फ्री। वैसे तो हम लोग का गेमिंग केस आने वाला था, लेकिन अमेजोन वालों ने डिलीवर ही नहीं किया, इसीलिए मुझे ऑफलाइन ये लेना पड़ा। वो आ जाता तो ग्लास वाला पूरा RGB बनता, लेकिन इस बार RGB का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ये रहा कैबिनेट, इसको उस जो मिला उठा करके लेकर आ गया। देख सकते हैं काफी सिंपल सा, इसको खोलते हैं पीछे से देख सकते हैं, वेरी सिंपल। यहाँ पे SMPS लगाना है, और ये सब का भी तो यूज़ नहीं होगा, जब ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तब इसमें से एक खोलना पड़ेगा। यहाँ पे फैन लगना चाहिए, फैन उन दिया नहीं इन लोगों ने, तो इस वाले को खोलना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें होगा SSD माउंट, ये तरह कुछ स्क्रूब्स, ऊपर में SMPS माउंट करने का है, जो वाला मैंने ऑर्डर किया था उसमें तो नीचे में SMPS माउंट करने का था, लेकिन आया ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। यहाँ में कुछ स्क्रूब्स हैं जिसका कि यूज़ करेंगे, बहुत सारे स्क्रूब्स हैं फ्रंट पैनल का। ये जो फ्रंट पैनल है, USB माइक एंड हेडफोन के लिए, ये रीसेट बटन, पावर बटन, ये सब लाइट, और ये सारा उनका कनेक्टर है, ये ऑडियो के लिए, और ये USB के लिए, ये पावर बटन रीसेट, ये है लाइट, और ये है पावर LED। इसको मदरबोर्ड में लगाना है। सबसे पहले अब SMPS माउंट करेंगे। इसका अनबॉक्सिंग मैंने कर लिया था। आई बटन में आपको वीडियो फ्लैश हो रहा होगा, देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो। चलिए इसको खोल लेते हैं, और जगह का कमी, केबल मैनेजमेंट के लिए नीचे में जगह दिया हुआ है, तो हम लोग नीचे से पास करवा सकते हैं इसको, नीचे वाले को खुला कर रहे हैं। एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए ही होगा ये सब करने के लिए, बाद बाकी सब पैकेट में रहता ही है। अब एडजस्टमेंट होगा अच्छा से, लगाना पड़ेगा कि यहाँ कि यहाँ एक यहाँ। अब केबल मैनेजमेंट इधर से हो जाएगा, वैसे भी हम लोगों को ज़्यादा केबल चाहिए नहीं है, और इसमें सबसे मेन चीज़ हम लोग का HDMI इसको चाहिए होगा, तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं इस तरह से। हाँ सही है, चलिए IO पैनल लग गया है, मदरबोर्ड को लगा देते हैं। ठीक है, स्क्रूब्स लगा दो, जैसे लगा लगा ओके। तो हम लोग माउंट कर दिए हैं मदरबोर्ड को यहाँ पे। अब फैन को भी लगा देते हैं,
फैन को लगाना है हम लोग को इस वाले स्लॉट पे। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू फैन, बस इसको लगा देना है। अगर सिस्टम फैन हो तो यहाँ पे सिस्टम फैन के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिस्टम फैन 3-पिन कनेक्टर, तो वहाँ पे लगा सकते हैं अगर हो तो। अब हम लगाएंगे रैम और एसएसडी, तो रैम इसका जो ये कट लगा हुआ है, यहाँ पे कट लगा हुआ है, इसको मैच करते हुए लगा देना है और दोनों तरफ से प्रेस कर देंगे, लग जाएगा। लग गया है। अब इसको पावर देना होगा, तो सबसे पहले सीपीयू को पावर देते हैं सीपीयू कनेक्टर से, 4-पिन कनेक्टर। थोड़ा सा केबल मैनेजमेंट तो करना ही होगा, और इस वाले हुक को इधर मोड़ करके बैठा देना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये सीपीयू का कनेक्टर, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया है। हवा रोक लेगा, इधर से हवा लेना है इसको, और इसको ये वाला हुक है ये बाहर की तरफ, हम लोग को इस तरफ से लगा देना है, इस तरफ से लगाएंगे हम लोग। इधर हुक है, इधर हुक है, ओके। अब बस एक ही चीज़ बाकी रहा, एसएसडी इसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया था पहले ही विंडोज़, तो बस लगाना है और स्टार्ट हो जाएगा हम लोग कंप्यूटर। दो एसएसडी का ब्रैकेट बना हुआ है, एसएसडी को यहाँ पे माउंट कर दिया है, काफ़ी कम जगह है यहाँ पे। इसको पावर देने के लिए साटा पोर्ट इस्तेमाल करेंगे एक तो, और सबसे पहले मैं डेटा के लिए इसका पहले डेटा कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद पावर कनेक्शन करूँगा। इसमें पावर कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा वो कनेक्ट कर देंगे। हो चुका है और ये भी कनेक्ट कर लेते हैं, चलिए हो गया। थोड़ा सा केबल मैनेजमेंट तो हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। पहले कनेक्ट कर लेते हैं सभी को, उसके बाद केबल मैनेजमेंट करेंगे, मे भी अब लोग समझ में ना आए। फ्रंट पैनल कनेक्ट कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट पैनल का ये वाला है ऑडियो कनेक्टर, और ये यहाँ पे है यूएसबी लिखा हुआ नीचे में यूएसबी 1, और यहाँ पे फ्रंट पैनल कनेक्टर। तो सबसे पहले यूएसबी और ऑडियो कनेक्ट कर लेते हैं, वेरी सिंपल है, जिसमें जो लिखा हुआ है उसमें वो लगा देना है। ये है ऑडियो यूएसबी, ऑडियो जाएगा उसमें, इसको मैच करते हुए लगाना है। देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक है और यहाँ पर ये ब्लॉक है, मतलब किस तरह से लगेगा। और ये वाला यहाँ पे इसको भी ब्लॉक्स चेक करके लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये यूएसबी और माइक तो लग गया है, ऑडियो। इसके लिए जैसे कि ये वाला पावर बटन है, ये वाला रिस्टार्ट बटन है, देख सकते हैं ये वाला ब्लॉक खाली है। इसके बाद का दो पावर बटन होता है और इसके बाद का दो रिस्टार्ट बटन होता है, हम देख सकते हैं सेम उसी तरह से ये वाला ब्लॉक खाली है, वो वाला ब्लॉक खाली है, पावर बटन ये रिस्टार्ट बटन, तो उसी तरह से लगा देना है। ये है रिस्टार्ट स्विच, तो ये लगेगा इस तरफ इसके सामने वाले में, और उसके उधर वाले में पावर बटन लगेगा, ये पावर स्विच ये है। सबसे पहले आपको स्विच ही लगाना है जो कि खाली ब्लॉक के बगल वाला है, मतलब कि ये वाला खाली ब्लॉक है, देख सकते हैं ये वाला खाली है। इसके बाद वाला जो भी है इसको लगाना है पावर बटन के लिए, लग गया है। और उसके बाद जो होता है वो रिस्टार्ट बटन है,
देख सकते हैं, रिस्टार्ट बटन, ये वाला रिस्टार्ट बटन और ये वाला पावर बटन, ये दोनों हो गया। अब इसके बाद इधर वाला जो है उसमें HDD लाइट लगाना है आपको, ये HDD लाइट SSD का सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अब बचा है एक ही ब्लॉक प्लस का और एक माइनस का, सबसे पहले इधर माइनस का और इधर प्लस का लगा देंगे इस तरह से। लग गया हम लोग का सारा पावर कनेक्टर्स, पावर स्विचेस, LEDs, रीसेट बटन। अब केबल मैनेजमेंट करना है और स्विच ऑन करना है इसको। ये देख सकते हैं ये केबल मैनेजमेंट हो गया, थोड़ा बहुत थोड़ा सा क्लीन लग रहा है अभी, सब कुछ होपफुली कनेक्ट हो गया हो। अब इसमें कनेक्ट करते हैं पावर कनेक्टर, और कनेक्ट हो गया है पावर कनेक्ट, पावर कोड दो SMPS। क्या माउस और कीबोर्ड लगाओ। चलिए सभी कुछ जोड़ चुके हैं, इस बार लाइट देके देखते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होता है। वैसे तो हार्ड ड्राइव में मैंने इंस्टॉल कर ही लिया था विंडोज, और स्विच ऑन करते हैं। ओह यस, LED RGB, बस सिंपल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं बूट एंड सिलेक्ट प्रॉप्ट इंसर्ट बूट मीडिया इन सिलेक्टेड बूट डिवाइस। देखते हैं हम लोग का हार्ड ड्राइव आया है कि नहीं, एंटी स्पॉट ये आ गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी दैट एंड सेकंड इज दैट, सेव चेंजेस एंड यस। ओके, वेरी फास्ट, दैट इज इट। एक बार फिर से रीस्टार्ट करके देखते हैं। लैपटॉप की तरफ फास्ट हो रहा है। RGB इसको ढकने के बाद दिखेगा नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट है ना। तो ये रहा हम लोग का फुल सेटअप। अब इसमें एक रैम लगाना बाकी है, वो जब भी आएगा मैं उसमें लगाऊंगा, और ग्राफिक्स कार्ड लगाने के बाद ये पूरा का पूरा गेमिंग PC बन जाएगा। इसको बनाने में लगभग लगभग अभी 14,000 खर्च हुआ है दोनों ट्रेम स्टिक लेकर के। अब इसके बाद ग्राफिक्स कार्ड का, जो भी ग्राफिक्स कार्ड आपको लगाना है, विदाउट ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन अच्छा से यदि गेमिंग करना है तो ग्राफिक्स कार्ड लगाना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।